बांके बिहारी लाल की जय से गूंज उठा चंपा देवी पार्क। श्रीमद् भागवत कथा की विधिवत हुई शुरुआत। दिव्य ज्योति जागृति संस्थान की ओर से श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत रविवार को चंपा देवी पार्क में हुई। इस दौरान सुप्रसिद्ध कथा वाचिका साध्वी आस्था भारती ने श्रद्धालुओं को पहले दिन भागवत महात्मय गोकर्णोपाख्यान का प्रसंग सुनाया। कथा के दौरान श्रीमद् भागवत सभी वेद पुराणों का सार है, कह गए संत कबीर इन अंधों को क्या दीजिए, और कृष्ण कृष्ण बोल सरीखे भजनों पर श्रद्धालु भक्तिवश लीन होकर झूमते नजर आए। पूरी कथा के दौरान बांके बिहारी लाल की जय के उद्घोष से पूरा चंपा देवी पार्क गूंज उठा। साध्वी ने कहा कि पापनाशिनी मोक्ष प्रदायिनी भव भयहारिणी श्रीमद् भागवत कथा को केवल मृत्यु लोक में ही प्राप्त करना संभव है। जो मिठास हमारे ग्रंथ में है, अगर ये जीवन में उतर जाए तो जीवन से कष्ट ही दूर हो जाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि जहाँ भी भागवत कथा होती है वहाँ दुनिया के सभी तीर्थ पहुँच जाते हैं। सभी साधनों में भागवत कथा श्रेष्ठ है। समझाया गया कि भक्ति और विभक्ति दो शब्द हुआ करते हैं। आज इंसान प्रभु से विभक्त होने के कारण ही दुखी है। भक्ति का अर्थ ही है परमात्मा से जुड़ जाना, और यही सच्चा धर्म भी है। हर समस्या से निकलने की क्षमता और रास्ता दोनों ही ईश्वर ने हमें दिए हैं। बस जरा सा सिर उठाकर ऊपर देखने भर की देर है। बस इरादे बुलंद कर अपनी आत्मिक शक्तियों को जानने भर की देर है। आशुतोष महाराज कहते हैं कि एक जागा हुआ व्यक्ति स्वयं अपने लिए उचित दिशा और सही मार्ग का चयन कर लेता है। इसीलिए सबसे महत्वपूर्ण है आत्मा का जागरण। सांस्कृतिक पुरुष आशुतोष महाराज ने विश्व में बंधुत्व और शांति की स्थापना के लिए ही दिव्य ज्योति जागृति संस्थान का निर्माण किया है। आपके द्वारा प्रदत्त ब्रह्म ज्ञान के प्रकाश, प्रेम और वात्सल्य की सरिता ने असंख्य मुरझाए हृदयों को नवजीवन दिया है। आपकी युगांतरकारी और संस्कृति प्रेम से उत्प्रोत शिक्षाओं ने मानवता को विभाजित करने वाली सीमाओं को नष्ट कर डाला है। साध्वी ने भावी पीढ़ी के प्रति चिंता व्यक्त करते हुए कहा, युवा किसी भी राष्ट्र की शक्ति हुआ करती है। आज आप एक बजार पक्षी को 6 से 8 फीट चौड़े डिब्बे में रख दीजिए जो ऊपर से खुला हो, वे पक्षी कभी नहीं उड़ेगा, क्योंकि बजार हमेशा 10 से 12 कदम दौड़ लेने पर ही उड़ान भर पाता है। डिब्बे में दौड़ने के लिए पर्याप्त स्थान न देकर वे उड़ने की कोशिश ही नहीं करता, बावजूद इसके कि उसके पास उड़ने के लिए पंख और रास्ता दोनों मौजूद हैं। युवा पीढ़ी शराब नशा जैसी बीमारियों से घिरी है, अपनी मानसिक धारणाओं और नकारात्मक सोच के दायरों में कैद है। इसे ब्रह्म ज्ञान से दूर किया जा सकता है। कथा की शुरुआत मुख्य यजमान सहित अतिथियों ने दीप प्रज्वलन के साथ की। अंत में साध्वी ने संस्थान के बोध प्रकल्प के तहत युवाओं का आह्वान करते हुए कहा कि यह श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ युग परिवर्तन का महायज्ञ है।